एक मिनट पहले पता नहीं होता। घर से बंदा निकलता है कि बस अभी आ रहा हूं, खाना गर्म करके रखो। वो खाना गर्म होता है मगर लाश आती है। दुनिया में 70-80 साल माँ बाप की दुआ लग गई तो 100 साल, उसके बाद तो जाना ही है ना। अच्छा वहां कितने साल रहेंगे? हजारों साल से कब्र में लोग हैं और पता नहीं कितने हजार साल बाद कयामत आनी, हमें नहीं पता। हमें भी बहुत लंबा अरसा रहना है। तो अकल ये कहती है कि जितना आखिरत में रहना है उतना आखिरत की तैयारी करें, जितना दुनिया में रहना है उतनी दुनिया की तैयारी करें। लेकिन क्या हमारी दुआओं में, हमारी इल्तिजाओं में, हमारी फिक्रों में आखिरत की कोई फिक्र है? आज किसी का छोटा मोटा नुकसान हो जाए ना, उसका चेहरा बता देता है, यार खैरियत तो आज मूड ऑफ है, बस यार वो मस्जिद आ रहा था आते आते मोबाइल चोरी हो गया। ओहो, मोबाइल गया, तुम्हारे चेहरे का रंग बदल गया। कोई मिलता है बंदा कहता है बस कारोबार में बड़ा लॉस हो गया है, 2 दिन से रात को सो नहीं पा रहा हूं। कोई एक नहीं मिला आज तक जो ये कहे कि आज रात इसलिए नींद नहीं आई कि मेरी नमाज कज़ा हो। बताओ ना प्रायोरिटी क्या है? कोई एक नहीं मिला कि यार उसके चेहरे से पता चल जाए कि खैर तो आज बड़े परेशान है, बस क्या करूं यार आज जमात निकल गई मेरी। आखिरत के लॉस की कोई टेंशन नहीं है, सारी टेंशनें और सारा फोकस हमारा दुनिया पर है। प्लीज इस पैरामीटर को चेंज कीजिए, अपने किबले को दुरुस्त कीजिए। हमें दुनिया में रहकर आखिरत की तैयारी करनी है। ऐसा नहीं होगा, मोबाइल कंपनी मैसेज भेजती है ना कि आपका 90% डाटा यूज हो गया है, अब 10% बाकी है, बराए करम टॉप अप कर ले वरना आपका कनेक्शन खत्म कर दिया जाएगा। ऐसा ही होता है ना। जिंदगी में कोई मैसेज नहीं आएगा कि जनाब आपने 90% लाइफ गुजार ली है, अब 10% रह गई है, तौबा कर ले, नमाज पढ़ ले, आज तो मस्जिद में आ जाए, आपके 3 दिन बाकी हैं। एक मिनट पहले पता नहीं होता। घर से बंदा निकलता है कि बस अभी आ रहा हूं, खाना गर्म करके रखो। वो खाना गर्म होता है मगर लाश आती है। ऐसा होता है ना, हमारे सामने हो रहा है, बिल्कुल ऐसा ही होगा, पता ही नहीं होगा हमें, अगले लम्हे दुनिया से चले जाए। तो इसका मतलब पता है क्या हुआ? वी हैव टू प्रिपेयर ऑलवेज, हमें हमेशा प्रिपेयर रहना है कब्र के लिए कि आज मर गया तो आज भी ऐसे अमल कर लिए कि इंशाल्लाह जन्नत मिलेगी। और अगर ऐसा नहीं है तो देयर इज नो एक्स्ट्रा टाइम। इसी जिंदगी में हमें आखिरत की तैयारी करोगे। ऐसे कई जवान पहुंच गए कब्र में जिन्होंने नियत की थी बूढ़ा होकर नमाज पढ़ूंगा, नहीं मिला बूढ़ा होने का मौका। ऐसे कई लोग कब्र में पहुंच गए जिन्होंने नियत की थी मदीने जाऊंगा फिर दाढ़ी रखूंगा, नहीं जा सके और चले गए कब्र में। ऐसे कई चले गए कब्र में जिन्होंने कहा था अगली रमजान से पूरे रोजे रखूंगा, रमजान नहीं आया वो कब्र में चले गए। हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई नौजवान कैसे कैसे, जगा जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अल्लाह की रहमत से